कौन कौन है? ये कांग्रेस नेता नरेश मीणा का अभिवादन करते शख्स को देख रहे हैं आप। ये है मोटपुर थाने के SHO मानसिंह मीणा, जिन्हें 12 के पुलिस अधीक्षक द्वारा तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया है। इस मामले में नरेश मीणा ने गुस्सा जाहिर कर ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरे खातिर कार्रवाई में SHO मानसिंह मीणा की बलि क्यों ली जा रही है। इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि जब मैं मोटपुर थाने में पेश होने गया तो मानसिंह जी की ड्यूटी भी वही थी, तो इन्होंने मानवता के नाते मुझसे राम राम का अभिवादन कर लिया। इसके कारण आज इनको लाइन हाजिर कर दिया गया। आपको बता दें कि पायलट समर्थक कांग्रेस नेता नरेश मीणा और उनके दो साथियों को राजकार्य में बाधा पहुंचाने और सार्वजनिक रूप से उपद्रव करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी के बाद 12 में मीणा के समर्थकों ने जगह जगह प्रदर्शन किया। दरअसल अटरू क्षेत्र के कांग्रेस नेता दिनेश झारखंड की हत्या के बाद 17 अगस्त को अटरू खानपुर स्टेट हाईवे पर गौगाड़ तिराहे के पास रास्ता जाम करने और लोक परिवहन की बस में आग लगाने के मामले में आरोपी बनाए गए कांग्रेस नेता नरेश मीणा और दो अन्य लोग शुक्रवार को तफ्तीश के लिए मोटपुर पुलिस के नोटिस पर थाने में उपस्थित हुए। नरेश मीणा के थाने पहुंचने पर SHO मानसिंह मीणा ने उनके आते ही उनसे हाथ जोड़कर अभिवादन किया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद SHO मानसिंह मीणा को लाइन हाजिर कर दिया गया। नरेश मीणा को फिलहाल 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इस मामले में सचिन पायलट ने नरेश मीणा के पिता से फोन पर बात की, साथ ही उन्हें तमाम कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की बात भी कही। तो वहीं अब नरेश मीणा ने मंत्री प्रमोद जैन भाया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पहले उनके बेटे ने वीडियो जारी कर उन पर गंभीर आरोप लगाए। अब खुद नरेश मीणा ने ट्वीट कर लिखा कि दोस्तों, इस भाया ने हिस्ट्री शीट तो खुलवा दी है, अब भाया पुलिस के माध्यम से आपके भाई के ऊपर राजपासा एक्ट लगवा रहा है। राजपासा का मतलब होता है कि किसी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति से समाज को खतरा है या फिर शांति खत्म हो सकती है, जिसमें सरकार 6 महीने से लेकर 1 साल तक जेल में बंद करवा सकती है। आपका नरेश मीणा को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।